नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैत नवरात्र में ऐसे कौन से काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, इससे आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। तो नवरात्र व्रत करने के नियम होते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की वीडियो अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। नवरात्र का व्रत त्यौहार देश भर में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ नव और रात्रि यानी कि नौ रातें। इन नौ दिनों में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। साल में चार बार नवरात्रि आते हैं जिसमें से चैत, शारदीय और दो गुप्त नवरात्रि आते हैं। तो माना जाता है कि नवरात्र में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। अगर आप कोई नवरात्रों में इन कामों को करता है तो उसे दरिद्रता के साथ साथ कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आपने सुना भी होगा अपने घर में बुजुर्गों से भी कि नाखून काटना, नवरात्र के नौ दिनों के दौरान नाखून काटने की मनाही होती है। आपने देखा भी होगा कि कई लोग नवरात्र शुरू होने से पहले ही नाखून काट लेते हैं ताकि नौ दिनों में नाखून काटने की जरूरत ना पड़े। कहा जाता है ऐसा करने से देवी क्रोधित हो जाती है और फिर उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है, इसीलिए नवरात्रों में नाखून ना काटे। ठीक इसी तरीके से बाल कटवाना या शेविंग बनवाना, तो नवरात्र के दौरान कटिंग और शेविंग कराने से बचना चाहिए। नवरात्र के दौरान बाल कटवाने से भविष्य में सफल होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, इसीलिए आप इन कामों से बचें। साथ ही आपने देखा होगा कि लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं इन दिनों। तो नौ दिनों में देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है और इन नौ दिनों तक देवी भक्त उपवास रखते हैं और देवी की पूजा करते हैं, इसीलिए नवरात्र के दौरान सभी प्रकार के नॉनवेज फूड खाने से बचना चाहिए। चाहे आप शाकाहारी भी हैं तो आपको प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्याज और लहसुन तामसिक भोजन के रूप में आते हैं। तामसिक का मतलब होता है प्याज और लहसुन मन और शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। माना जाता है कि ये मानसिक थकान का कारण भी बनते हैं, तो नवरात्र के दौरान तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए नौ दिनों तक आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी पवित्र समारोह या त्योहार के दौरान शराब के सेवन से पूरी तरीके से बचना चाहिए। चैत नवरात्रि देवी माँ की आराधना के लिए सबसे पवित्र माने जाते हैं और इसीलिए नवरात्र पूजा के नौ दिनों के दौरान शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप लेदर की चीजें पहनने से बचें, जैसे कि चमड़े के बेल्ट, जूते, जैकेट, ब्रेसलेट, ये सब इससे बचना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि चमड़ा जानवरों के खाल से बना होता है और इसीलिए इसे अशुभ माना जाता है। तो नवरात्रों में लेदर से बनी हुई चीजों को पहनने से बचना चाहिए। नवरात्र के दिन एक पवित्र दिन होते हैं, तो इस दिन आप किसी को भी अशुभ या अपशब्द बोलने से भी बचें। इसका कारण यह है कि नवरात्र देवी की भक्ति और आराधना करने का समय होता है। अगर इस दिन कोई गलत शब्द का प्रयोग किया जाता है तो देवी माँ क्रोधित हो सकती हैं, इसीलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आप लोग के लिए कुछ बातें जो आपको नवरात्र के दौरान नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से और भी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, जैसे कि नवरात्र व्रत के नियम क्या है, घट स्थापना, पूजा स्थापना, कलश स्थापना, क्या क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारी जानकारियों वाली वीडियो चैनल पर अपलोड की गई हैं। तो आप उन वीडियो को भी देखें और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय माता दी।